नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आप ये देख रहे हैं, यह है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अचानक मौसम बदल चुका है, पूरी तरह बादल छाए हुए हैं, बिजली भी कड़क रही है और यहाँ पर बारिश भी जमकर हुई है। आज तारीख है 12, सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और लोगों को यहाँ पर गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है और ये बहुत अच्छी भी बात है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यात्री भी आए हुए हैं जो कि गर्मी से बेहाल थे, लेकिन अचानक मौसम यहाँ पर पूरी तरह से बदल गया जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आई। आप देख सकते हैं स्टेशन पर भी काफ़ी संख्या में भीड़ है। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं क्योंकि यह एक धार्मिक जगह भी माना जाता है हरिद्वार। यहाँ पर आपको बहुत सारी धार्मिक जगहें देखने को मिलता है, जिसमें आपका मनसा देवी है, चंडी देवी है, हर की पौड़ी है और भी बहुत सारी यहाँ पर धार्मिक जगहें हैं जिसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और आप यह देख सकते हैं, यह है हरिद्वार के प्लेटफार्म का बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पर बिजली भी काफ़ी तेज तड़क रही है तो बारिश ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम कर दिया है। और यहाँ रहने वाले लोग हों चाहे बाहर से आने वाले लोग हों, उनको गर्मी से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निजात मिला है। तो आप देख सकते हैं ये सुबह का बहुत ही सुंदर नज़ारा है रेलवे स्टेशन का। वैसे हरिद्वार काफ़ी व्यस्त स्टेशन माना जाता है, यहाँ पर देश के हर कोने से छोटी बड़ी सभी रेलगाड़ियाँ आसानी से यहाँ पर आती जाती रहती हैं। इसीलिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन को एक व्यस्त रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी खुशनुमा हो चुका है और यहाँ जो गर्मी से बेहाल हैं उनको तो बहुत ज़्यादा राहत मिली होगी क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 40 डिग्री के बाद था, लेकिन अभी इस वक्त का टेम्परेचर लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस है। तो लगभग एक तरीके से टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है जिसकी वजह से यहाँ का मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा हो गया है। स्टेशन पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और आज के दिन यहाँ पर कोई एक नया पर्व भी है, एक नहान माना जाता है जो कि यहाँ पर जितने यात्री आए उसमें से ज़्यादातर लोग यहाँ से वो लोग घाट पर जाएंगे, हर की पौड़ी पर जाएंगे, वहाँ पर वो लोग नहाएंगे गंगा में और नहाकर दर्शन भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्टेशन पर भीड़ है। तो दोस्तों, आप लोग भी हरिद्वार एक बार अपने जीवन काल में ज़रूर आइएगा क्योंकि ये जगह काफ़ी खूबसूरत जगह है और धार्मिक दृष्टि से यह जगह पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बना चुका है। यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग हरिद्वार में आते हैं, यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, मानते हैं और यही कारण है कि हरिद्वार आज पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन का ये बाहर का ये बहुत ही सुंदर नज़ारा और ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी घने बादल भी किए हुए हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।